दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में यक्ष्मा रोग यानी टीबी रोग के बारे में और उसका निदान मैं बताऊंगा, होम्योपैथी मेडिसिन में कैसा उसका निदान है। दोस्तों आइए, मैं डॉक्टर बीपी गुप्ता होम्योटेक अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यक्ष्मा यानी टीबी का जो पेशेंट होते हैं, ठीक होने के बाद भी उनमें कुछ ऐसे लक्षण रहते हैं कि उनको थोड़ी सी भी सर्दियां बर्दाश्त नहीं होती है। कैसे उनको सर्दी लग गई उससे वो परेशान रहते हैं, उनको पता नहीं लगता है कि हमको सर्दी कैसे लगे। दोस्तों यक्ष्मा रोग में ऐसा होता है कि पहले सूखी खांसी आती है, फिर खांसी तर हो जाती है, फेफड़े में दर्द होता है, बलगम के साथ ब्लड भी आ जाता है। इस चीज को ठीक करने के लिए हम ट्यूबरक्लोनम 1 mg का प्रयोग करते हैं, यानी जितनी हाई पोटेंसी होगा उतना बढ़िया वर्क करेगा। 1 से 2 खुराक उसको खाना है। दोस्तों कुछ ऐसी भी बीमारियां होती है यक्ष्मा रोग में यानी टीबी में कि पूर्व पुरुषों माने पूर्व में अगर आपके घर में किसी को ये बीमारी हुआ है, आप उसके कांटेक्ट में हैं, तो आपको भी थोड़ा बहुत उसका असर बहुत कम परसेंट असर होता है जो आपको महसूस नहीं होगा। लेकिन दोस्तों ऐसे पेशेंट ठीक होने के बाद भी ऐसा हो जाता है कि उनको सर्दी थोड़ा भी बर्दाश्त नहीं होता है। ठंडी हवा चला उनको सर्दी जुकाम खांसी हो जाएगा। इसके उपचार के लिए नाना तरह की दवाइयां चलाएंगे। इसका बढ़िया अगर चित्र लक्षण पकड़ करके और उस दवा को चलाया जाए होम्योपैथी तो भी दिक्कत होता है। लेकिन दोस्तों इसमें अगर हम ट्यूबरक्लोनम 1 mg का चलाएं, उसमें 1 से 2 बार खाना पड़ता है, दोस्तों बीमारी आपका कंट्रोल हो जाता है। दोस्तों अगर किसी के माता पिता का ये बीमारी है तो बच्चों को अटैक तो नहीं करता है, लेकिन कुछ परसेंटेज उनमें आ जाता है जिससे वो सर्दी बर्दाश्त नहीं कर पाते। पूर्व की स्थिति यानी पूर्व की उनकी माता पिता की स्थिति देखते हुए अगर उस बच्चे को भी हम ट्यूबरक्लोनम 1 mg का उस पोजिशन में मात्र 1 खुराक खिलाएंगे, उनके जीभ पर अगर 4 बूंदों दवाई डाल देते हैं एक बार, तो और वो सर्दी खांसी या छींक आता है, जुकाम हो जाता है, पतला नाक से स्राव गिरता है, ये सारी बीमारियां 1 से 2 खुराक में कंट्रोल हो जाता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब शेयर और कमेंट जरूर करें ताकि आप लोगों के लिए फिर ऐसे ही वीडियो मैं बना सकूं जो आप सभी के लिए लाभदायक हो। धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।